हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल वी कुमार लक्ष्य एकेडमी रांची में आप सभी का स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को सुपर ट्रिक्स देने वाला हूँ। दो बार के नोबेल पुरस्कार विजेता, यानी वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जो दो बार नोबेल प्राइज जीते हैं, यह प्रश्न परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बार आया है और बहुत सारे स्टूडेंट याद तो करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको इसका सुपर ट्रिक्स दूंगा जो आप जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। चलिए देखते हैं ये सुपर ट्रिक्स क्या है। ये ट्रिक्स है, आप याद रखें, मैडम और जॉन फ्रेंडली है। क्लियर, मैडम और जॉन फ्रेंडली है ना। तो मैडम से हो गया मैडम क्यूरी, है ना, मैडम से मैडम क्यूरी। क्लियर, जॉन से यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, मैडम से हो गया मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन वार्डिंग। इन्होंने अपना नाम ऐसा रखता है, बड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए ट्रिक्स बनाना पड़ता है, परीक्षा में पता ही नहीं चलता। ठीक है, मैडम और जॉन फ्रेंडली हैं, तो मैडम से मैडम क्यूरी, जॉन से जॉन वार्डिंग, और फ्रेंडली जो है इसको आप दो भाग में यहां पर ब्रेक कर लीजिए, एक फ्रेंड और दूसरा ली, तो ये टोटल चार लोगों को दो बार नोबेल प्राइज मिला, फ्रेंड है ना। तो ये देखिए फ्रेंड से जो है फ्रेडरिक सिंगर। क्लियर, और ली, यानी ये टोटल चार लोग को मिला, एक दो तीन और चार। ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है, लिनस पोलिंग। क्लियर, लिनस पोलिंग। तो इन लोग का नाम अगर आपको याद नहीं होता है, मान लीजिए मैडम क्यूरी, जॉन वार्डिंग, फ्रेडरिक सेंगर, लिनस पोलिंग का नाम याद नहीं होता है, कोई बात नहीं, कोई झंझट नहीं है। आप केवल ये याद रखिए, मैडम और जॉन, तो यहाँ एक नंबर मान लीजिए, जॉन दो, फ्रेंड तीन और ली चार। क्लियर, ऑप्शन में देखिए कहाँ इसका नाम का पहला लेटर है, टिक लगा दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर, तो इस तरह से आप नोबेल प्राइज विजेता, दो बार नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम आपको याद हो चुका है और आप जीवन में इसको भूलने वाले नहीं हैं। क्लियर, क्योंकि ये सुपर ट्रिक्स है ही ऐसा, तो आप इसको खूब बढ़िया से याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा और प्रतियोगिता परीक्षा में खूब बढ़िया से एकदम प्रश्न आए तो उसको सॉल्व कर देना है ना, उसका सही आंसर दे देना है और जीत हासिल कर लेना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।